जीमेल या गूगल अकाउंट की इम्पोर्टेंस तो आप समझते ही हैं, क्योंकि हमारे फोन में हमारा सारा इम्पोर्टेंट डाटा गूगल अकाउंट पे स्टोर और लिंक रहता है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जीमेल गूगल अकाउंट को हम हमेशा इसको सेफ रखें। गूगल अकाउंट या जीमेल को सेफ रखने के लिए नंबर वन आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। नंबर टू, टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको अपने जीमेल में एक फोन नंबर ऐड करना चाहिए। वो फोन नंबर ऐड करने के बाद में आपका जीमेल गूगल अकाउंट आप खुद लॉगिन करेंगे या और कोई अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो टू स्टेप में वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी एक तो आपको अपना पासवर्ड डालना है, सेकंड आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका जीमेल लॉगिन हो पाएगा। अब हम इजी स्टेप में समझेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे। सिंपली आप गूगल ऐप ओपन कर लो, यहाँ पर आपको प्रोफाइल इमेज से होगी, इस पे आप टैप कर देना। उसके बाद में आप उस जीमेल को चूज कर लेना यहाँ से जिस जीमेल में आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, इस पे आप टैप कर देना। इस जीमेल की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आप टैप करके और स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। इस टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आप टैप कर देना। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब नीचे गेट स्टार्टेड पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार जीमेल का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन, यूज योर फोन एज योर सेकंड स्टेप टू साइन इन, ये हमें फोन नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं, तो फिर आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद में नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, आप एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव करना चाहते हैं या फोन कॉल रिसीव करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कर दीजिए ताकि आपके पास में ओटीपी आएगा और ओटीपी से हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं टेक्स्ट मैसेज पे टैप करके और सेंड पे टैप कर देता हूँ। अब मेरे पास में एक ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। अब देखिए ये टू स्टेप के लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं और आपको फाइनली टर्न ऑन पे टैप करना है। ये लीजिए आपके जीमेल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अब देखिए मेरा जो जीमेल है वो 100% सुरक्षित हो गया है क्योंकि टू स्टेप मैंने कर दिया है, फोन नंबर ऐड कर दिया है। मेरा जीमेल अब कहीं पे भी अगर लॉगिन करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड डालने के बाद में मेरे फोन पे जो ओटीपी आएगा वो भी डालना पड़ेगा। जब तक ओटीपी नहीं डालेगा तब तक कोई भी मेरे जीमेल को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने जीमेल के लिए आप टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर कीजिए ताकि आपका इंपॉर्टेंट जीमेल हमेशा के लिए सेफ हो जाए और आपका इंपॉर्टेंट डाटा हमेशा आपके फोन में रहे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।